हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपने देख ही लिया होगा, बीपीएससी ने जो है कल रात में ही ऑफिशियली जो है कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके थ्रू आपको पता चल गया होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 का री एग्जाम कब होना है। साथ में टीआरई 4 के भी कैलेंडर जारी हुए हैं, टीआरई 4 की परीक्षा कब होगी, प्रधान शिक्षक हो गया, प्रधानाध्यापक, इन सबकी एग्जाम की डेट जो है अनाउंस हो चुका है। और आपके पास समय है, अप्रैल तो आपको पता ही है कुछ ही दिन बचा है, बस एक महीने का समय है। और इन लोगों का जो एग्जाम है वो 10 से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले अगर मैं टीआरई 3 की बात करूँ तो टीआरई 3 की जो परीक्षा वो 10 से 12 जून के बीच में होगी, और इसमें दो दिन ही पेपर होगा। एक दिन आपका 1 to 5, 6 to 8 का हो जाएगा, और एक दिन आपका 9 से 10, 11 से 12 का। तो 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो जितने लोग भी टीआरई 3 वाले हैं आपके पास समय बहुत ही कम है, क्योंकि आपको पता है कि एक परीक्षा रद्द हुआ है। इस बार परीक्षा बहुत ही अच्छे से होगी, साथ में क्वेश्चन भी काफी अच्छे खासे पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी को जरूर पढ़ लें, और आप में से जितने लोगों ने बिहार की एससीईआरटी की किताबों को अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसे जरूर पढ़ना। और ये क्लासेस मिलती हैं डेली 5 बजे, हम बीपीएससी जीएस की वहीं की किताब से करते हैं, ठीक है। तो आप वो क्लासेस डेली देखिए, क्योंकि जितना जल्दी आप एनसीईआरटी एससीईआरटी करके क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं प्रधान शिक्षक। तो प्रधान शिक्षक का एग्जाम है 13 को, प्रधानाध्यापक का है 14 को। तो कुल मिलाकर चुनाव का रिजल्ट आएगा 4 को, उसके बाद से ये लोग पूरा, आपको पता है ये पहले ही तैयारी हो चुकी है, बस सेंटर वगैरह सब कुछ बाद में डिसाइड हो जाएंगे। तो 10 से परीक्षा जो है इसकी स्टार्ट हो जाएगी टीआरई 3 की। कितने लोगों ने जो है 1 to 5 और 6 to 8 में फॉर्म भरा है, कुछ लोग होंगे जिन्होंने मल्टीपल में फॉर्म भरा होगा, तो आपके पास तो वैसे भी बस एक की तैयारी नहीं करनी है, 2 से 3 की, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं, जो कि 6 to 8 में भी जा सकते हैं, 9 से 10 में भी जा सकते हैं, और 11 से 12 में भी। तो तैयारी अच्छे से करते रहो। अच्छा, टीआरई 4 का लग रहा था कि थोड़ा सा डिले होगा, बट नहीं, इनका अगस्त की परीक्षा है तो अगस्त में ही होगा, और 24 अगस्त को टीआरई 4 की परीक्षा हो जाएगी। तो जितने भी सीटेट वाले स्टूडेंट्स हैं अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है जुलाई में होगी और जुलाई में ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आप लोग आराम से जो है अगस्त में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगस्त में इसकी परीक्षा है 24 को, और रिजल्ट की भी डेट अनाउंस हो चुकी है 24 सितंबर, मतलब एक महीने बाद ही। तो इस बार बहुत ही तेजी से परीक्षा होगा, और जो बीच में ये इलेक्शन की वजह से डिले हुआ है और कुछ तो पेपर लीक की ही वजह से डिले हो गया है, इसको ये लोग पूरा जो है कवर कर लेंगे जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा। तो सारे डेट अनाउंस हो चुके हैं, आप लोग खुद भी जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं लगा भी दूंगी। बाकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भेजती ही हूँ। सीटेट की क्लास डेली 1 बजे होती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका सीटेट पास नहीं होता है तो आप टीआरई 4 में शामिल नहीं हो पाएंगे। और जितने भी डीलेड वाले भी हैं उनका भी सेमेस्टर के एग्जाम्स हो जाएंगे, वो भी आराम से उसमें आ सकते हैं, ठीक है, जो भी लास्ट सेमेस्टर वाले हैं। क्योंकि के पाठक सर ने बताया भी था कि जो भी लास्ट वाले हैं उनका हम पेपर पहले लेंगे, ताकि वो भी उसमें अप्लाई कर सकें। और वैकेंसीज की बात करें तो अभी ऑफिशियली तो कुछ नहीं आया है, बट अगर आपने रिसेंट पहले की जो वीडियोस देखी होगी उनका, के पाठक सर का, जब वो स्कूल्स विजिट करते थे जो जहाँ पे डीलेड के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बताया था उन्होंने कि बिल्कुल भी परेशान मत हो, 1 लाख फिर से भर्ती आने वाली है। और ये 1 लाख कैसे हो जाता है आप भी जानते हो, क्योंकि रिजल्ट्स मल्टीपल आते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता नहीं है, जो कुछ बची खुची सीटें होती हैं उनको आगे एड ऑन किया जाता है। कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, कुछ लोग नौकरी छोड़ देते हैं, बहुत सारी रीजंस होते हैं, और फिर उसके बाद से कुछ नए पोस्ट एड ऑन होते हैं, ठीक है। 25,000 तो पहले भी सुनने में आया था कि 25,000 टीआरई 4 की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी। तो इस तरीके से टीआरई 3 और टीआरई 4 दोनों की ही वैकेंसीज जो है एकदम आसपास है, क्योंकि जैसे ही आपका जून में पेपर होगा, जुलाई में काउंसलिंग वगैरह हो जाएगा, देन उसके बाद से अगस्त में एक और पेपर। तो मान लीजिए किसी का 1 से 5 में हो जाता है, अगर वो 6 to 8 में भी एलिजिबल है तो आप उसकी तैयारी करो, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही जल्दी जो है मौका मिल रहा है बैक टू बैक परीक्षा देने का। आगे का पता नहीं है कि कब परीक्षा होगी और पता नहीं कितनी वैकेंसीज आएंगी, ये किसी को नहीं पता है। तो चलिए, फाइनली टीआरई 3 वाले तैयारी अच्छे से करो और सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। साथ में अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड जो है कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। वैसे हम जीएस की अभी चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जैसे ही बीपीएससी का चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएगा देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। तो 5 बजे बीपीएससी जीएस की, पूरा स्टेट बोर्ड की जो किताबें होती है वहीं से सारी क्लासेज हो रही हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 1 बजे, अच्छा, कुछ सीटेट अभ्यर्थियों का कमेंट आता है कि फिर हम कैसे शामिल हो पाएंगे, फॉर्म तो पहले से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अगस्त में परीक्षा है तो आपका जुलाई में, आपका पेपर जो है 7 जुलाई को ही है, तो जुलाई में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा और इनके फॉर्म भी भरे जाएंगे। तो अगर कुछ डेट, ये फॉर्म भरने की डेट आपको पता है ये थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहते हैं, तो फिर आपको भी मौका मिल जाएगा। वैसे तो शामिल तो करना चाहिए, क्योंकि जस्ट जुलाई में आपका सीटेट हो जाएगा और अगस्त में परीक्षा है, तो सभी सीटेट वालों को भी मौका मिलना चाहिए, बट आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सीटेट जो है परीक्षा पास कर ले रहे हैं और आपकी डिग्री ही नहीं है, जैसे कुछ लोग फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, कुछ सेकेंड, कुछ थर्ड, तो आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए तभी जाकर इसमें आ सकते हो।
एलिजिबिलिटी यही है, पहले मिल जाता था अपियरिंग को मौका, बट अब अपियरिंग को मौका नहीं मिल रहा है। तो चलिए 10 से परीक्षा स्टार्ट है, 10 से 12 जून में बीपीएससी TRE 3 और 24 अगस्त को आपका TRE 4। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मिलते हैं 1 बजे सीटेट की क्लास में और 5 बजे बीपीएससी GS की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।